हेलो बच्चों, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसमें से जो वर्ड प्रॉब्लम को आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो है, पहले क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर दें, क्वेश्चन समझ लीजिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना होता है, तब इक्वेशन के फॉर्मेशन ईजिली हो जाते हैं। ठीक है, प्लेस ए एंड बी आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। तो क्या हो रहा है, 160 किलोमीटर डिस्टेंस पे दो पॉइंट्स ले लिए गए हैं ए और बी। इसका डायग्राम भी हम लोग बनाते चले चले। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लिया गया, एक पॉइंट बी ले लिया गया, और इसके बीच का जो डिस्टेंस बोला गया 160 किलोमीटर। ठीक है, अभी आगे देखिए क्या बता रहा है इस क्वेश्चन में। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, ए से कार स्टार्ट होती है एंड अनदर कार बी एट द सेम टाइम। देखो ए और बी जो दो पॉइंट्स हैं जो कि 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, दोनों पॉइंट से कार स्टार्ट होती है, और एक कार स्टार्ट होगी ए से और एक कार स्टार्ट होगी पॉइंट बी से एट द सेम टाइम। ओके, आगे देखते हैं क्या है। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। चलिए अब सपोज कर लीजिए हम इस कार का नेम डी ए दे देते हैं, इस कार का नेम बी दे देते हैं। अब चलिए कार ए जो है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कार बी भी इसी डायरेक्शन में मीन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। सेम डायरेक्शन दे मीट इन एट आवर्स। अच्छा, आफ्टर एट आवर्स वो दोनों कार क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो चलो सपोज कर लेते हैं कि कहीं यहां पे जाके सी पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, मतलब कार ए और कार बी पॉइंट सी पर आकर के आफ्टर एट आवर्स मिल जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस क्लियर हो गया। अब सेकेंड केस की भी बात कर ली जाए। बट इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, टूवर्ड द ईच अदर मतलब ए और बी एक दूसरे की तरफ मीन अपोजिट डायरेक्शन में जब चलेंगे तो क्या होगा, दे मीट इन टू आवर्स। तो वो ए से बी की तरफ, बी ए की तरफ जब आएगा तो आफ्टर टू आवर्स वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो आपको बताना है दोनों कार की स्पीड कहां शुरू करेंगे। कार की स्पीड को हम लोग एक्स एंड वाई एज्यूम करेंगे और वहीं से शुरू कर दिया जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड कार बी बी वाई किलोमीटर पर आवर। आपने क्या बोला, दोनों कार की स्पीड हमने एज्यूम कर ली एक्स किलोमीटर पर आवर एंड दूसरे कार की वाई किलोमीटर पर आवर स्पीड ले ली। अब देखो फर्स्ट केस की बात करते हैं, डायग्राम फर्स्ट केस के लिए एप्लीकेबल है अभी। तो अब ये जो है एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना आवर्स चलेगा, एट आवर्स है ना। कार ए और कार बी दोनों एट आवर्स रन करने के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, और कार ए की स्पीड जाहिर सी बात है ग्रेटर होगा, यहाँ पे जो एक्स है वो वाई से ग्रेटर होगा। जो कंडीशन आपने लिए है एक्स और वाई, यहाँ पे जो फर्स्ट कार ए है जब उसकी स्पीड ग्रेटर होगी बी से तभी तो उसको पकड़ पाएगा ना। ठीक है, तो अभी आप ये समझो कि कार ए एट आवर्स 8 घंटे वो चलेगा किस स्पीड से, एक्स किलोमीटर पर आर की यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो पॉइंट सी पे पहुंचेगा। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना। अब देखो कार ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो हो जाएगा 8x, 8 आर चला और एक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड है तो डिस्टेंस हुआ 8x। कार बी कितना चलेगा, ये चल रहा है y किलोमीटर पर आर की स्पीड से, ये कितना चलेगा 8y चल पाएगा क्योंकि ये भी 8 आवर्स चल रहा है। ठीक है ना। कार ए कार बी से आप देख सकते हो 160 किलोमीटर ज्यादा रन करेगा। देखो बी तो यहीं से चलना शुरू किया ना, यहां पहुंच गया, लेकिन कार यहां से चलना शुरू किया और फिर यहां पहुंचा, मींस ए ने पहले बी तक के डिस्टेंस को कवर किया, 160 किलोमीटर ज्यादा एक्स्ट्रा चला है ना। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए और डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी का जो डिफरेंस होगा दोनों के डिस्टेंस के बीच का, वो कितना होगा, 160 किलोमीटर। और यहीं से आपका फर्स्ट केस होता है, आप पहले इक्वेशन को यहां से बना सकते हो। चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं केस वन के लिए। केस वन है ना, केस वन कौन सा हुआ, कार ए और बी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहाँ पे लिख भी दें सेम डायरेक्शन। पहले सेम डायरेक्शन में अगर ये चलते हैं तो आप देख सकते हो
बाय दिस फॉर्मूला जो इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 160। क्लियर है ना, अभी आपको समझाया कैसे लिखा जाएगा। डिफरेंस दोनों के कार ए और कार बी के बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा 160 किलोमीटर का आएगा, क्योंकि कार ए 160 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू आपको मिलेगा 20, इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया। केस 2 की बात कर लेते हैं, केस 2 आप समझिए, केस 2 का भी डायग्राम बना लेते हैं। चलो फिर से बना लेते हैं, थोड़ा इसको जगह दे दिया जाए। आप देखिए यहाँ पे सपोज कर लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कार ए बी की तरफ और बी भी ए की तरफ चलेगा, दोनों का स्पीड क्या होगा, x किलोमीटर पर आर इसका स्पीड होगा, y किलोमीटर पर आर इसका स्पीड है, सेम स्पीड रहेगा जो पिछली बार था। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन, क्या होगा कि आफ्टर 2 आवर्स, क्वेश्चन में दिया है आफ्टर 2 आवर्स ये दोनों कहीं जाकर मिल जाएंगे। तो 2 आवर्स ए भी चलेगा कार और 2 आवर्स बी भी चलेगा, तो कितना डिस्टेंस ए कवर करेगा, 2x डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड एक्स है और टाइम ले रहा है 2 आवर्स, तो 2x हो जाएगा डिस्टेंस कवर बाय कार ए और 2y हो जाएगा डिस्टेंस कवर बाय कार बी, और दोनों का जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो होगा 160 किलोमीटर। ठीक है ना, मतलब दोनों मिल, क्योंकि यहाँ ए और बी से चलेंगे दोनों मिल जाएंगे, तो टोटल डिस्टेंस तो 160 किलोमीटर होगा ना दोनों का। ठीक है ना, चलिए सेकेंड केस को लिखते हैं। अब अपोजिट डायरेक्शन हो गया, अपोजिट डायरेक्शन जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे तो क्या इक्वेशन आ रहा है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 160। ठीक है, सिंपली आप समझ सकते हो 2x डिस्टेंस कौन कवर करेगा, कार ए करेगा, 2x कौन करेगा, कार बी करेगा, और जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ ए से बी तक का वो है 160 किलोमीटर। इक्वेशन का फॉर्मेशन आपने कर लिया, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो x प्लस y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 80, इक्वेशन नंबर 2। जब आपने दो इक्वेशन बना लिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के, तो उनको आप किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई करो और आपको कार ए और कार बी की स्पीड मिल जाएगी। इसको सिंपली देख सकते हैं, लोग एलिमिनेशन से कर ले, ज्यादा इजी हो रहा है, वाई वाई कैंसिल होगा ऐड करते हैं, तो आप इसको आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें नोट कर सकते हो। अभी हम आप इस पार्ट को रफ करने जा रहे हैं ताकि हम इसका सोल्यूशन आगे आपको करके दिखा सकें। ठीक, तो ये वीडियो को पॉज करके डायग्राम्स आप बना सकते हो। ओके चलिए, अभी देखिए, अभी आप देखिए कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए। इक्वेशन 1 है x माइनस y इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 2 है x प्लस y इज इक्वल टू 80, ऐड करिए, y से y कैंसिल हुआ, बचा आपके पास 2x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू आ गया 50। ठीक है, x की वैल्यू 50 है, इक्वेशन नंबर 2 में आ जाइए, x की वैल्यू 50 पुट करिए, y की वैल्यू आ जाएगी 30। फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू आ गया 30, तो स्पीड ऑफ कार ए कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार बी कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आपने कार ए और कार बी दोनों के स्पीड को फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो ऐसे और भी क्वेश्चन आपको भी रिवाइज करने होंगे, ठीक है, जिसमें आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में अभी देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आपको नंबर बेस्ड क्वेश्चन मिलता है, एज बेस्ड क्वेश्चन मिलता है, तो देखो वर्ड प्रॉब्लम करने में बहुत ही आप परेशान नहीं होंगे, बस क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करना होता है।